हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ सी रजनी अग्रवाल। आप सब लोग कैसे हो? मैं एकदम ठीक हूँ। तो आज मैं आप लोगों के लिए अपनी एक नई वीडियो लाई हूँ, जिसका टॉपिक है कि बहुत सारे बच्चों ने मेरे से ये क्वेश्चन पूछा है कि मैम, हमने जो पढ़ाई करी हुई है ना, 12th तक हमने हिंदी मीडियम से करी हुई है, या फिर हमने जो ग्रेजुएशन वगैरह भी करी हुई है वो भी हमने हिंदी मीडियम से करी हुई है, तो क्या इस चीज़ से कुछ फ़र्क पड़ेगा? मतलब अगर हम लोग हिंदी मीडियम से हैं तो क्या अगर हम जब सीए करने की सोच रहे हैं और सीए हमारा इंग्लिश मीडियम ही है, तो क्या हमें बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज आएगी, या हमें करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? क्योंकि कहीं ना कहीं जब हम हिंदी मीडियम से पढ़ाई करके आते हैं तो हमारे मन में एक डर होता है इंग्लिश को लेके, कि हमें समझ में आएगा नहीं आएगा, हम लोग यू नो आंसर्स राइट कर पाएंगे नहीं पाएंगे, तो कैसे क्या होगा? तो मैं उसी का आज आपको आंसर देती हूँ। सबसे पहले मैं आपको ये भी बताऊँगी उसके अंदर कि मैंने खुद ने 12th क्लास तक हिंदी मीडियम से पढ़ाई करी थी। उस टाइम पे हमारा सिर्फ एक ही सब्जेक्ट होता था इंग्लिश में, जो कि इंग्लिश सब्जेक्ट था। बाकी हमारी सारे सब्जेक्ट, जैसे हमारा इको वगैरह, इको होता था या बिजनेस होता था, वो सब हिंदी मीडियम के अंदर होता था। तो ऐसा नहीं है, देखो इनिशियली हो सकता है कि आप हिंदी मीडियम से आए हो, आपको थोड़ा सा लगे, बट जब आप कहीं ना कहीं जब इंग्लिश मीडियम से पढ़ाई करोगे ना, आपको चीज़ें ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ में आएंगी, आपको चीज़ें रिटेन ज़्यादा अच्छे तरीके से आएगी। बिकॉज जो इंग्लिश के वर्ड्स होते हैं ना, वो हम ज़्यादा यूज़ करते हैं अपने नॉर्मल यू नो बातचीत के अंदर भी। तो ऐसा नहीं है कि आपको बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी होगी। अगर आपको लगन है कि आपको पढ़ाई करनी है, आपको सीए बनना है, तो आई डोंट थिंक सो कि कभी भी किसी भी बच्चे के लिए हिंदी मीडियम से होना या इंग्लिश मीडियम से होना बैरियर बन सकता है उसके सीए कोर्स के दौरान। तो सबसे पहले तो जिन भी बच्चों, आपके मन में ये सवाल है कि हमने तो 12th तक भी पढ़ाई हिंदी मीडियम से करी है, हमने इवन अपना ग्रेजुएशन भी हिंदी मीडियम से करा है, अब सडनली हम लोग सीए करने की सोच रहे हैं और हम लोग इंग्लिश मीडियम अडॉप्ट कर रहे हैं, तो हम लोग नहीं कर पाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर मैं भी यू नो मैं एक गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ी हुई हूँ, हमारे में मतलब सब हिंदी मीडियम में ही होता था, तो अगर मैं कर सकती हूँ तो आप लोग भी कर सकते हो। एंड आपको सीए करनी है, आप ये मत सोचो ना कि हिंदी मीडियम या इंग्लिश मीडियम, अगर आप पढ़ाई करोगे तो आप किसी भी मीडियम में पढ़ के कोई भी कोर्स कर सकते हो। तो कभी भी ना अपनी हिंदी या इंग्लिश को अपने करियर के अंदर बैरियर मत बनने दिया करो, ठीक है? और रही बात पढ़ाई करने की, तो जब आप पढ़ना स्टार्ट करोगे ना, तो देखना आप धीरे धीरे खुद ही आंसर्स लिखने लग जाओगे। एंड इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर जब भी आंसर्स लिखे जाते हैं, तो ऐसे नहीं होता कि प्रॉपर ग्रामेटिकल ये वो, आपका आंसर इतना होना चाहिए कि बस आपका जो एग्ज़ामिनर है उसको समझ में आए कि आप क्या कहना चाह रहे हो। ये होता है इंग्लिश मीडियम के अंदर। ऐसा नहीं होता कि आप कोई ग्रामेटिकल बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होने चाहिए, आपकी इंग्लिश पे कमांड बहुत अच्छी होनी चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। देखो, हम जब किसी बड़ी कंपनीज में या बिग फोर्स में जाते हैं, हाँ वहाँ सब लोग मतलब इंग्लिश में ज़्यादा बात करते हैं, बट आप भी धीरे धीरे बात करो। और मुझे तो ऐसा लगता है कि ना कॉम्बो चलता है, मतलब हिंदी और इंग्लिश का कॉम्बो चलता है, तो आप इंग्लिश बोल सकते हो कि आप कुछ बातें इंग्लिश में बोलो, कुछ बातें हिंदी में बोलो। मैं भी देखो जब इंटरव्यू देती हूँ तो मैं कोशिश करती हूँ कि इंग्लिश लैंग्वेज में बात कर सकूँ, बट हमेशा नहीं पॉसिबल होता, तो बीच बीच में कई बार हिंदी के वर्ड्स भी आ जाते हैं। तो मैं भी जब मतलब मैंने भी जब 12th क्लियर करा था, तो जब मैंने ग्रेजुएशन करने की सोची, उस टाइम पे मैं सीए और ग्रेजुएशन एक साथ कर रही थी, तो मुझे ये लगा कि दिस इज़ द राइट टाइम कि मुझे अपने आप को एक लेवल अप करना चाहिए, और अगर मैं अभी से इंग्लिश मीडियम के अंदर जाऊंगी तो हो सकता है इनिशियली मुझे दिक्कत हो, लेकिन मुझे बाद में दिक्कत नहीं होगी। और फिर फाइनली मैंने अपने ग्रेजुएशन में फर्स्ट टाइम एग्ज़ाम इंग्लिश मीडियम में दिए थे, थोड़ी सी दिक्कत हुई थी, बट बाद में सब नॉर्मल हो गया। और अब तो हमारे उसके बाद तो सीए सब कुछ इंग्लिश मीडियम में हुआ, तो इंग्लिश वैसी कुछ लगती नहीं है कि हाँ हिंदी मीडियम है या इंग्लिश मीडियम है। तो अगर आप लोगों ने भी गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ाई करी हुई है 12th तक, और आप लोगों ने भी अगर हिंदी मीडियम से पढ़ाई करी हुई है और आप लोग सीए करने का सोच रहे हो, तो प्लीज़ अपने मीडियम को बैरियर मत बनने देना। आप बस अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो, देख लेना इंग्लिश
इंग्लिश सब आपसे हो जाएगी। तो ये आप लोगों में से बहुत सारे लोगों का सवाल था कि क्या सच में हिंदी मीडियम से पढ़ाई करने पे हमारे सीए में कोई फ़र्क पड़ता है। मतलब 5 से 10% हल्का फुल्का फ़र्क पड़ता होगा, वो भी इनिशियली। बाद में आपको सारी चीज़ें यार समझ में आती है, इवन थ्योरी भी ना अगर आप शायद हिंदी में पढ़ोगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में नहीं आएंगी लॉ की लैंग्वेज, बट इंग्लिश में ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ में आएगी और आप अपने आंसर भी राइट कर पाओगे। तो प्लीज़ गो हैड, ये मत सोचो कि मैंने हिंदी मीडियम से पढ़ाई करी और मैं आगे कैसे करूँगा। आप कर सकते हो, अपने ऊपर विश्वास रखो। आज के लिए ये वीडियो यहीं तक। ऑल द वेरी बेस्ट।